दिन में लाइव दर्शन भाई बहुत गजब भाई, सुकून मिलता भाई, जरूर आना यहाँ कहीं जाओ। हमेशा मंदिर की रक्षा करूँगा इसलिए भाई उन्होंने रक्षा की, अपना दर्शन हो चुके हैं। ये देखो भाई बोला होगा आशीर्वाद हमने ले लिया है, माथा टेक के VIP लाइन है पीछे भाई, लाइन जा रही है बहुत लंबी लाइन है, कम से कम 3-3 किलोमीटर की लाइन है। तो भाई ये चेक करो भाई, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते जाए दिल की खुशी और तो हे गाइस, इट्स टाइम फॉर यू, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो गाइस आ गए फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये व्लॉग शुरू कहाँ से हो रहा है, अपने टेंट से। और जैसे कि भाई कल बहुत खतरनाक ट्रैक करके हम पहुँच गए थे केदारनाथ बाबा के धाम। तो भाई रात को मंदिर के दर्शन तो आपको कराए दिए थे, बट भाई आज दिन में हम अंदर गर्भ रह के दर्शन करेंगे। तो इसलिए भाई अभी सोच रहे थे लाइन में लगेंगे, बट थोड़ी सी जान पे जाना था, हम लाइन में ना लग के अंदर डायरेक्ट दर्शन करेंगे तो जल्दी भी हो जाएंगे। बाकी गाइस यहाँ के जो व्यू है ना दिखाऊंगा आपको दिन में, कितने प्यारे भाई पहाड़ ना क्रिस्टल की तरह चमक रहे हैं एकदम। और यहाँ टेंट से ही हमें दिख रहे हैं, तो एक बार ये देख लो भाई, कच्चा सूख रहा है, इस पर ध्यान मत देना भाई, पहाड़ पे ध्यान दो भाई। देखो वो सूख दिख रहे हैं ना यहाँ भाई, हमारे टेंट से भी दिख रहे हैं भाई। गाइस अभी चलते भाई, लाइन दिखाएंगे कितनी लंबी है भाई, कम से कम भाई 3 किलोमीटर की लाइन है दर्शन करने के लिए। और मंदिर के भाई बहुत टाइम लगेगा, और VIP दर्शन सिर्फ भाई रात के रास्ते शुरू होते हैं, सुबह 4 बजे तक होते हैं भाई। गाइस लाइन में लगना पड़ा 3-3 किलोमीटर तक। हम भाई यहाँ कैंप ले रखा है 800 मीटर दूर, यहाँ भी लाइन है और पीछे तक लाइन ही लाइन है भाई। गाइस कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे हैं दर्शन करने, और आपको हो सकता है अगर कैमरा अलाउड हो तो करवाएंगे, बट भाई बाहर से मंदिर के तो करवा ही देंगे भाई। चलते हैं बाहर के नज़ारे दिखाते हैं, तो मिलते हैं आपसे सीधे। वो तो फिलहाल गाइस एक बार ये चेक करो भाई, आ गए हैं दर्शन करने के लिए लाइन में, पीछे भाई लाइन जा रही है बहुत लंबी लाइन है, कम से कम 3-3 किलोमीटर की लाइन है। ये चेक करो भाई, यहाँ का एक व्यू चेक कराता हूँ भाई, मंदाकिनी रिवर जो कि भाई डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रही है पूरी की पूरी ऊपर से। और देखो भाई हेलीपैड प्लेन उड़ रहा है ना, ये चेक करो भाई। एक बार यहाँ ये नज़ारे देखो भाई, चारों तरफ जो आइस है ना, इधर वाइट पहाड़ है और इधर ग्रीन, देख रहे भाई कितना अलग ही गजब लग रहा है ना। और जिस टाइम ये बंद रहता है सारे पहाड़ ऐसे हो जाते हैं वाइट वाइट, सब कुछ ढक जाता है बर्फ़ से भाई। गाइस चेक करो फिर, और अब चलते भाई दर्शन करने और दिखाते हैं आपको बाबा का मंदिर, और बहुत ही प्यारा, रात को दिखाते हैं बट आज दिन में भी दिखाते हैं। तो चलते भी गाइस आगे, एक बार ये व्यू चेक करते हुए जाओ। देखो भाई हम जहाँ खड़े लोहे का पुल है पूरा का पूरा, ये देखो पहाड़ देखो गजब ना भाई। अब चलते गाइस, ये लाइन देखो भाई, लाइन के बगल बगल से जाना है, बहुत लंबी लाइन है गाइस, 3 किलोमीटर की है कम से कम। और अभी यहाँ से मंदिर थोड़ा सा दूर है, दिख रहा था पीछे से बट यहाँ से नहीं दिख रहा भाई। चलते गाइस मस्त कराते दर्शन। तो गाइस भाई उस लाइन का रास्ता उधर से, और हम जा रहे हैं यहाँ से, ये शॉर्टकट है, और यहाँ होटल वगैरह बने हुए हैं भाई, यहाँ से बहुत पास है। तो गाइस भाई एक बार चेक करा देते हैं आपको, मंदिर दिखने लगा है मैं यहीं से। तो भाई ये चेक करो सामने दिख रहा भाई, बोलो जय भोले बाबा की जय, हो केदार बाबा हर हर महादेव, दिख रहा भाई सामने से। तो भाई ये चेक करो भाई, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते जा रहे दिल की खुशी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देख रहे भाई हमारे भोले बाबा कहाँ बैठे हैं, चारों तरफ भाई पहाड़ों के बीच में, चारों तरफ देखो पहाड़ हैं, इनके बीच में बैठे हमारे भोले बाबा।
हर हर महादेव गाइस, ये चेक करो यार, जय श्री केदार। सपना था यार, आज पूरा हो गया भाई, बहुत खुशी है। मैं बोल नहीं सकता, इतनी खुशी है मुझे, देख रहे हो। जीते जी जन्नत में आना ना, इसे कहते हैं गाइस, जीते जी जन्नत में आना। सो गाइस, पीछे देख सकते हो भाई, फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर। और भाई अब आपको मंदिर पास से दिखाते हैं, और पीछे भीमशिला है, उसके भी दर्शन कराए जिसने भाई आपदा के टाइम पे केदारनाथ मंदिर की रक्षा करी थी। तो गाइस चलते भी आगे, दिखाते हैं आपको पास से। तो भाई फाइनली भाई दिन में भी पहुँच चुके हैं मंदिर। तो भाई ये देखो, हर हर महादेव, देख रहे हो गाइस, इतने पास से, अभी और पास से दिखाते हैं आपको। भाई पूरे शरीर में ना मेरे कंपन हो रहा, ठंडक सी आ गई है, पता नहीं कैसे। ये चेक करो भाई, देख रहे हो भाई, साक्षात दर्शन हो गए, हर हर महादेव। तो गाइस कैसे लगे भाई दर्शन, भाई मंदिर के दिन में लाइव दर्शन, भाई बहुत गजब, भाई सुकून मिलता है भाई। जरूर आना यहाँ, कहीं जाओ नहीं जाओ, रहना जरूर आना। और गाइस पीछे देख सकते हो, और इधर और पास से देख लो, हर हर महादेव, देख रहे हो भाई, जय श्री केदारनाथ। भीड़ भाई बहुत है, देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है, बंदे सुबह सुबह से लगे हुए हैं। हर हर महादेव भाई, भाई सुकून मिल गया आके। भाई अभी चलते भाई, पीछे भीमशिला भी दिखाएंगे आपको, तो निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा दर्शन करके फिर दिखाएंगे आपको। सो गाइस फाइनली भाई दर्शन हो चुके हैं, ये देखो भाई, बोले होगा आशीर्वाद हमने ले लिया है, माथा टेक के VIP दर्शन किए भाई, मज़ा आ गया भाई, इतने प्यारे दर्शन हुए ना, सोचा नहीं था भाई, बहुत मूर्तिवत दर्शन हो गए फाइनली यार। अंदर जाके जो सुकून मिला था ना, अलग ही भाई, कितने भी ढक्का मुक्का होता है बट सुकून अलग ही मिला था भाई फाइनली, लेकिन दर्शन तो हो गए। ठीक है भाई, पीछे से भी देख लो, ये अपने केदारनाथ बाबा जी का धाम है, और वहाँ से होते हैं भाई VIP दर्शन, उधर से होते हैं नॉर्मल, और इधर इधर है भीमशिला, ये देख रहे हो भाई, ये जो भीमशिला इस डायरेक्ट ऊपर से आई थी गिरते गिरते, और यहाँ पर रुक गई थी भाई मंदिर से जस्ट थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, और भाई इसी से पानी दो धारों में टकरा के मंदिर पूरा सेफ हो गया था, यही था भाई। भाई गाइस अभी भीमशिला आपको पास से भी जाके दिखाएंगे, अभी दूर से गए भाई, पास से है भाई, कितनी बड़ी है। और भाई ये देखो ना, ये देखो आशीर्वाद, भाई दिखाते हैं अंदर से, बाकी पास से दिखाएंगे। तो भाई चलते भी आगे भीमशिला के पास, लेकिन एक बार यहाँ का व्यू चेक करो, ये चेक करो भाई, चादर ये सब तबाही हो गई थी, यहाँ पहले बहुत कुछ था बट अब सब तबाही हो गई है, देखो फिर भी इतना तैयार हो गया, अभी चादर बाउंड्री बन गई है, ये देखो। तो ये दिखाते हुए पास से भीमशिला पहले। सो गाइस ये चेक करो भाई, भीमशिला ये भाई, भीम जी ने कहा था मैं हमेशा मंदिर की रक्षा करूँगा, इसलिए भाई उन्होंने रक्षा की, अपना वादा निभाया। तो भाई ये देख लो, जिस डायरेक्शन में मंदिर है उस डायरेक्शन में भीमशिला है, तो जैसे पानी आया था पूरा का पूरा यहाँ टकरा के दो पार्ट में डिवाइड हो गया था उस, ये चेक करो भाई, देख रहे हो बिल्कुल मंदिर के सामने एकदम, इतनी बड़े पत्थर कैसे रुक गया, ये सोचो ना भाई। लोग कहते हैं नहीं है, नहीं है भगवान, भाई भगवान है, उसका प्रूफ ये है देखो भाई, ये चट्टान ही तोड़ सकती थी मंदिर को, बट पानी कुछ नहीं कर सकता, चट्टान तोड़ सकती बट ये रुक गई ना, यही है भाई भगवान की शक्ति। ये चेक करो भाई त्रिशूल,
बोले होगा हमारे भाई, यही है भाई भीमशिला, देखो कितनी बड़ी है। भाई गाइस दिल खुश हो गया यार ये सब देख के। और अब भाई करेंगे हम फिर से अपना ट्रैक स्टार्ट, बट इस ब्लॉग में आपको और भी अच्छी चीज़ दिखाते हैं। चलते गाइस आगे। तो भाई भीमशिला के दर्शन के लिए इसके भाई और मंदिर भी देख लो पास से, थोड़ा देख रहे हो पूरा का पूरा मंदिर अपना पत्थर से बना हुआ है। और उस टाइम पे भी देख रहे हो इतनी अच्छे वो थी कारीगरी। भाई इस घास भी जम रही, देख रहे हो ये जो 6 महीने बर्फ़ पे ढका रहता है ना उसके वजह से नमी आ जाती है, इसलिए भाई इस रश देख रहा कितना है। चलते भाई दिखाते हैं ऊपर, ये चेक करो, ये देखो बाबा देख रहे हो बहुत रश है भाई यहाँ पे। अब 1:30 बजे खुलेगा मंदिर। तो गाइस अभी देखो कपाट बंद हो चुके हैं, अब भाई 1:30 बजे मंदिर खुलेगा। ये देखो भाई कपाट हो गए बंद, बाकी अब 1:30 बजे मंदिर खुलेगा। और भाई रश चेक करो यहाँ पे कितना रश है। और भाई मंदिर कपाट जो है कपाट बंद, अब 1:30 बजे खुलेंगे। बाकी चलते गाइस नीचे, आप रश देख लो भाई एक बार। कोई बात नहीं, मौसम काफी अच्छा है तो उतना धूप नहीं लगेगी। अलग इला रोड को चेंज रोड चलो। अब चलते गाइस यहां से नीचे भाई, रश एक बार फ्रंट से और दिखाऊंगा मंदिर, बाकी रश चेक करो भाई कितना होगा। ₹500 तक है तो 200 तक स्टार्टिंग नहीं। ये क्या होता है हवन, ये देखो भाई कपाट बंद हुआ है। उसके बाद मेरा लाइन, अभी भी लोग लाइन में लगे पड़े हैं, अभी बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा इनको। भाई एक बार सामने से फिर से दर्शन कर लो भाई बाबा केदारनाथ जी के, हर हर महादेव। तो भाई चलते अब यहाँ से नीचे। फाइनल गाइस भाई दर्शन करके सब कुछ, भाई मंदिर देख के भीमशिला देख के अच्छी तरह सारे दर्शन करके अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे, कुछ खाएंगे भाई, भूख लगी बहुत तेज भाई, कुछ भी खाओ मज़ा आ गया दर्शन करके। ऐसी यात्रा एक साल में बार करनी जरूरी है, सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। भाई एक बार यहाँ का व्यू चेक कर लो फिर से एक बार, ये रहे हमारे बाबा का दरबार। और बाकी भाई है अब भाई यहाँ से चलते हैं नीचे, और भाई VIP दर्शन भी है, कोई शक नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से नीचे, ये देख ही सकते हो यार VIP दर्शन, बाकी लोग तो लाइनों में लगे पड़ेंगे देखो। बाकी चलते हैं भाई नीचे, हो गए भाई फाइनली VIP दर्शन। चलते हैं भाई नीचे कुछ खाते हैं भाई, भूख लग रही काफ़ी तेज और शोक पता नहीं किधर गया। चलते भाई धीरे धीरे नीचे, ये खड़ा है चलो। ये देखो भाई लाइन में लोग कब कब से लगे हुए, देख रहे हो बहुत टाइम से भाई। भाई ड्रोन उड़ रहा उधर, अलाउड नहीं फिर भी। तो चलते भाई नीचे यहाँ से, मिलते आपसे आगे कुछ खाते भाई, बहुत ही भूख लग रही है यार। सुबह जब चलते हैं भाई कैंप की तरफ, कैंप पास में अपना यहाँ से वहाँ चलते हैं आराम से। भाई ये लाइन चेक करो, अभी तक दर्शन करने वालों की लाइन पूरी की पूरी लगी पड़ी, बहुत तगड़ी भाई। और अब पता नहीं भाई ने कब कल ही दर्शन होंगे, आज तो मुझे लगेंगे हो पाएंगे जो लोग यहाँ पे उनको, और बाकी भाई पीछे वालों को तो 2 दिन में कम से कम। बट भाई हम करके आ चुके हैं, अब सीधे भाई जा रहे हैं अपने कैंप की तरफ। देख भाई कैंप चारों तरफ है, और भाई ऊपर मेरे बाबा का मंदिर है सामने। चलते भाई मिलते सीधे अपने कैंप पे, जो है थक गए थोड़े से रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद नीचे भी जाना है, इसलिए भाई चलते सीधे मिलते आपसे सीधे कैंप पे। सो फिलहाल गए भाई दर्शन वर्शन करके मस्त आ गए थे अपने टेंट में, और अभी का सीन क्या है, पीछे हमारे भाई बहुत थक गए थे, रेस्ट कर रहे थे,
बाकी हमारे बाकी हमारे टेंट में कब्जा हो गया था, एक अंडी थी बेचारी बुजुर्ग थी, तो हमने कोई नहीं आप आराम कर लो। बाय गाइस, अभी ट्रैक हो गया खत्म, दर्शन भी खत्म, सब कुछ हो गया। अब हमें नीचे उतरने का सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है वो भाई, यार ठंड हो गई है यार, ठंड हो गई बहुत और ओले पड़ रहे। एक बार ये चेक करो यार, ये चेक करो भाई, देख रहे हो बारिश और ओले सब कुछ साथ पड़ रहा है, एकदम पूरे का पूरा भाई ओले पड़ रहे और बारिश पड़ रही, बहुत खतरनाक मौसम हो गया। और हम कहाँ घुसे पड़े अपने टेंट में, तंबू में, और हम सोच रहे आपदा आ जाए और हम डूब जाए इसके साथ, सीधे दिल्ली निकली फिर नीचे। भाई गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं ख़त्म, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। और भाई जल्दी 10,000 तो करवा ही दो यार।